में ये रैप होके आया है और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं वो एक्चुअल ईयरबड्स जो है चार्जिंग केस में। तो इसे हम रखते हैं साइड में। बॉक्स के अंदर हमें देखने मिलते हैं कुछ केबल्स, तो ये है चार्जिंग केबल इंडिविजुअल ईयरबड्स के लिए। तो यहाँ पे आप केस से भी चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक इंडिविजुअल ईयरबड को चार्जिंग करने की वायर भी दी गई है। तो इसे हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको देखने मिलता है USB टू माइक्रो USB केबल जिसकी हेल्प से आप इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो। तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है कुछ यूज़र मैनुअल कि कैसे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है चाइनीज़ और इंग्लिश में। तो इसे भी हम रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें बॉक्स के अंदर देखने मिलती है। तो अभी हम जंप करते हैं इस एयरपॉड्स पे। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये पैकेजिंग में आया, तो मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो सेम एप्पल के एयरपॉड जैसे इन्होंने यहाँ पे पैकेजिंग दी है और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ LED इंडिकेटर्स जो चार्जिंग के लिए है और यहाँ पे आपको मिलता है एक बटन जिसे प्रेस करके आप देख सकते हो ये चार्जिंग पे लग चुका है। मतलब यहाँ पे ब्लू LED है जो इंडिकेट करती है कि इसमें बैटरी है और यहाँ पे ये हेडफोन चार्जिंग में लग चुके हैं। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है एक माइक्रो USB पोर्ट इस केस को चार्ज करने के लिए और इस केस में आपको 950 mAh की बैटरी मिलती है। तो इसे हम ओपन अप करते हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इसका कवर पूरी तरीके से ओपन होता है और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं वो हेडफोन्स, तो काफ़ी बढ़िया और सिमिलर टू एप्पल के एयरपॉड जैसे दिख रहे हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसे देख के। और यहाँ पे हम इसे रिमूव करते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ आप देख सकते हो इस केस में आपको दो पॉइंट्स दिखाई देंगे जो है चार्जिंग पॉइंट और ये है वो दोनों एयरपॉड्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा जिसे आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हो। और गाइस आप इसे इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर इसकी बैटरी डाउन होती है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि चार्जिंग केस में दोनों साइमल्टेनियसली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलेंगे चार्जिंग पॉइंट्स, सो जिसके तहत आप इसे केस के अंदर चार्ज कर सकते हो या फिर जो इसकी इंडिविजुअल केबल आपको यहाँ पे देखने मिलती है उसके तहत भी आप इन्हें चार्ज कर सकते हो। कुछ इस तरह आपको प्लग इन करना है और आप इन्हें चार्ज भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं इसमें इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ ये चार्जिंग पे कैसे लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं चार्जिंग केस का बटन ऑन करता हूँ और आप देख सकते हो रेड कलर की LED जो है यहाँ पे दोनों हेडफोन्स में इंडिकेट कर रही है, मतलब यहाँ पे ये दोनों चार्जिंग में लग चुके हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो नीचे की तरफ ब्लू LED है वो इंडिकेट करती है कि इसमें कितनी बैटरी बची है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और ये हेडफोन्स को रिमूव करता हूँ और अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। सो गाइस इन्हें पावर ऑन करने के लिए हमें दोनों बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करने हैं। तो आप देख सकते हो दोनों बटन साइमल्टेनियसली प्रेस हो चुके हैं, मतलब ये दोनों पावर ऑन हो चुके हैं और अभी टाइम है इसे पेयर करने का। सो गाइस अभी इसे हमें पेयर करना है और अभी यहाँ पे मैं फ़ोन का ब्लूटूथ टर्न ऑन करता हूँ। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोन का ब्लूटूथ टर्न ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको TWS i7 के दोनों भी हेडफोन्स अलग अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों भी हेडफोन्स अलग अलग नहीं एक देखने चाहिए। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो दोनों पावर ऑन हो चुके हैं और अभी हम दोनों हेडफोन्स को पेयर करना है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल दोनों i7 TWS दिख रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी एक हेडफोन का जो बटन है वो प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हो एक हेडफोन की LED बंद हो चुकी है और इसकी LED चालू है, मतलब ये दोनों पेयर हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसे सर्च करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैं अभी रिफ़्रेश करूँगा मुझे एक ही हेडफोन दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो मुझे एक ही हेडफोन दिखाई देगा और ये दोनों पेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसे पेयरिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये दोनों हेडफोन्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इस पर साउंड प्ले करके इसे टेस्ट करते हैं कि इसका साउंड कैसे आता है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो चुके हैं और अभी टाइम है इसे टेस्ट करने का। तो यहाँ पे मैं इन्हें प्लग इन करता हूँ अपने ईयर्स में और यहाँ पे मैं एक साउंड प्ले करता हूँ। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक साउंड प्ले करके इसका साउंड क्वालिटी सुन रहा हूँ।
तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है। अगर मैं माइक के पास इसे लेके आता हूँ तो आप सुन सकते हो इंडिविजुअल ईयरबड की साउंड क्वालिटी। अभी मैं दोनों हेडफोन्स माइक के नज़दीक लाता हूँ तो आप सुन सकते हो कितनी बढ़िया इसमें से साउंड क्वालिटी आ रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया इसकी साउंड क्वालिटी है और बहुत ही बढ़िया ये ईयरफोन्स है। तो दोस्तों अगर आपको किसी का कॉल भी रिसीव करना है तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ माइक मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा होल है जो है इसका माइक, तो उसके तहत आप बात कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको दोनों भी एयरपॉड्स में माइक मिलते हैं। प्लस यहाँ पे नीचे की तरफ है चार्जिंग पोर्ट जिसके हेल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हैं इंडिविजुअली, या फिर आप इस केस में रख के भी उसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ केस में रख के इसे चार्ज कैसे किया जाता है। तो बस आपको बस ये केस ओपन अप करना है और फिर आपको जो हेडफोन से इसमें इंसर्ट करने हैं कुछ इस तरह, और फिर आपको चार्जिंग केस का जो बटन है वो टर्न ऑन करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट हो चुके हैं, मतलब ये चार्जिंग पे लग चुके हैं। तो आप यहाँ पे इन्हें इजीली क्लोज करके यहाँ पे इन्हें रख सकते हो और आपके हेडफोन चार्ज होते रहेंगे। प्लस यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है चार्जिंग केस की वो है 950 मिली एम्पार और इंडिविजुअल हेडफोन की बैटरी है 65 मिली एम्पार। तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स या फिर मिनिमम 6 टाइम्स तो आपके जो आपके एयरपॉड्स हैं उन्हें चार्ज कर सकते हैं।